टी20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई ने इन 6 बड़े खिलाड़ियों को भेजा कोच बनने का नोटिस। टीम इंडिया का कोच बनने से पहले बीसीसीआई ने रख दी 3 बड़ी डिमांड, जगह 1 और दावेदार पूरे 6, 3 विदेशी और 3 इंडियन। कौन होगा बीसीसीआई की डिमांडों पर राजी? लिस्ट में धोनी, गंभीर और पॉन्टिंग जैसे धुरंधर शामिल। बीसीसीआई की शर्तों पर ये 2 खिलाड़ी हो गए राजी, बाकी 4 का फैसला आना अभी बाकी। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरीके से बीसीसीआई ने अपने नए कोच को लेकर यहां पर दोस्तों आयोजन लेना स्टार्ट कर दिया है, और कैसे बीसीसीआई की शर्तों पर खरा उतरना एक काफी ज्यादा कड़ी चुनौती होने वाली है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों आईपीएल 2024 के अब यहां पर दोस्तों प्लेऑफ्स, एलिमिनेटर और फाइनल के मुकाबले ही बचे हैं, और उसके बाद टीम इंडिया को सीधे टीम इंडिया के अपने खिलाड़ियों के साथ टी20 वर्ल्ड कप के लिए यहां पर अमेरिका और वेस्ट इंडीज का रुख करना है। लेकिन दोस्तों उस वेस्ट इंडीज और अमेरिका के वर्ल्ड कप के लिए अभी तक टीम इंडिया के कोच का भी फाइनलाइजेशन होना बाकी है। एक तरफ अगर आप देखोगे तो टीम इंडिया की अभी तक की जो कोचिंग है वो राहुल द्रविड़ के हाथों में ही रही है। ऐसे में दोस्तों बीसीसीआई ने यहां पर अब फैसला किया है कि राहुल द्रविड़ का जैसे ही टेन्योर पूरा होगा वहां पर राहुल द्रविड़ का कार्यकाल दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप के बाद समाप्त होने वाला है, और ऐसे में दोस्तों उनकी वर्ल्ड कप को समाप्त होने के बाद नए कोच को लेकर जो अपडेट आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि टीम इंडिया ने बीसीसीआई ने दोस्तों कई विदेशी और कई इंडियन खिलाड़ियों को अपने अपने आवेदन भेज दिए हैं, जिसमें बड़ा नाम आता है स्टीवन फ्लेमिंग का जो चेन्नई सुपर किंग्स के कोच हैं, दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग का भी नाम आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर, गौतम गंभीर और वीवीएस लक्ष्मण के साथ महेंद्र सिंह धोनी इस लिस्ट में काफी ज्यादा आगे चल रहे हैं। अटकलें हैं कि भारत लगभग 1 दशक के बाद किसी विदेशी मुख्य कोच को चुन सकता है। जी हाँ दोस्तों, जॉन राइट और गैरी किस्टन जैसे पिछले विदेशी कोचों के तहत उल्लेखनीय सफल इस संभावना को आकर्षण बनाती है, क्योंकि ये जो 2 कोच थे इनकी ही कोचिंग में यहाँ पर टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप जीते थे। इस वजह से अब बताया जा रहा है कि विदेशी कोचों पर भी नजर होगी, लेकिन बीसीसीआई की जो शर्तें हैं उन पर रह पाना कई कोचों के लिए आसान नहीं होने वाला है। जैसे कि जस्टिन लैंगर ने क्लियरली बोल दिया कि टीम इंडिया का कोच बनना एक थकाऊ काम होने वाला है। उन्होंने कहा कि अगर आप टीम इंडिया के कोच बनना चाहते हो तो उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है, मैंने वर्ल्ड कप में ये चीज देख ली है। वर्ल्ड कप में यहाँ पर दोस्तों उन्होंने जो चीजें देखी उससे उन्हें कंफर्म हो गया है, और उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि आईपीएल की कोचिंग से कहीं भी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है। ऐसे में दोस्तों अब सबसे बड़ी बीसीसीआई की शर्त तो यही होने वाली है कि जो कोच होगा उसको हमेशा के लिए टीम इंडिया के साथ रहना होगा और अवेलेबल रहना होगा, यानी विदेशी कोच के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा दोस्तों भारत में कई बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, और बीसीसीआई ने बोल दिया है कि इन सभी को मैनेज करने की जिम्मेदारी कोच के ही हाथों में होगी, यानी खिलाड़ी किसी तरीके की दिक्कत में ना आए, और ऐसा करना काफी कठिन होता है क्योंकि बड़े खिलाड़ियों के बड़े नखरे होते हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, कौन होने वाला है भारत का नया कोच, कोई विदेशी होगा या भारतीय? कॉमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।